शरीर में दर्द हो रहा है गाइस, एक एक ना पापा दिला दूंगी। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। चैनल कैसे आप लोग हैं, बहुत बढ़िया हूं मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अभी बनमोर ब्लॉग के साथ गाइस अभी मैं आ चुका हूं विकास मंजिल में। विकास मंजिल में हम आए कुछ स्टूडियो के लिए लेने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि स्टूडियो के लिए हो, और भूमि भी जिद करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं आज फाइनली। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ टेटा कॉम्प्लेक्स में गाइस, पैट एंड एक्वेरियम हाउस के नाम से। तो अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ, और हमने जो एक्वेरियम पसंद कराया वो पसंद कर लिया। ब्लॉग को मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, याद नहीं आया था, तो अभी चलते हैं एक्वेरियम को देख लेते हैं। और उसमें जो जो कुछ लगा है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार पूछवाता हूँ। अंकल से मिला था, अंकल बड़े ही ज़्यादा कूल हैं, तो चलते हैं अंदर। ये एक्वेरियम हाउस है ये पूरा, यहाँ किसी को भी लेना हो तो प्लीज़ विजिट कर सकते हो। तो इधर हमारा वाला जो एक्वेरियम रहा है वो ये रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ें रख गई हैं। क्या क्या रखा है भैया इसके अंदर? फिल्टर है, लाइट है, लाइट है, हीटर है, अच्छा पंप है, दवाई है। ओके ओके, तो गाइज इधर सारा नेचुरल वाले प्लांट्स हैं। एक पेयर फिश भी आ चुकी है हमारी, भैया ने पैक कर दिया। और इधर हमारे अंकल है, अंकल जी गाइज किसी को भी लेना हो तो प्लीज़ अंकल से विजिट कर सकते हो अपना। और बहुत ही अच्छे हैं आदत के, सच में, मतलब इतना सारा चीज़ें अंकल ने समझाया हमें, फिशेज से लेकर के सभी कुछ। और ये जो भी आप क्रिएटिविटी सामने देख रहे हो अंकल जी के, जैसे अंकल यूनिक हैं वैसे ये क्रिएटिविटी हमारी यूनिक करी है अंकल जी ने। तो ये सारा है इधर, लाइक ज़रूरी नहीं फिश का, आप इधर से कैट का, डॉग का, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं। और इधर ये एक्वेरियम कुछ अंकल ने खुद ही कस्टमाइज़ करे हैं, जिसमें लाइट वगैरह सभी कुछ अंकल ने खुद ही लगाया है। कुणाल कैसा लग रहा है देख के? और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो मुझे यहाँ आके ये लगी कि नेचुरल प्लांट्स हैं और इतनी छोटी छोटी फिशेस हैं सभी कुछ। तो ये अंकल बता रहे थे कि मतलब इंडिया में नहीं मिलती है ये वाली ऐसा कुछ। और इधर सारे छोटे छोटे, तो किसी को भी लेना है तो विजिट कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा लगा अंदर आके। और अभी हमने जो एक्वेरियम लिया है वो मैं दोपहर में आके मैं अंकल से बात कर गया था, और मुझे अभी टाइम मिला तो कुछ बातें और जान लेते हैं अंकल से कि फिशेस के बारे में कि क्या क्या होता है थोड़ा सा। तो अंकल क्या क्या रहता है फिशेस का, आप थोड़ा बता सकते हैं? जैसे कि अभी हम आपसे ले ही रहे हैं कुछ, अभी दो पेयर लिए हैं, तो उनका क्या करना होगा और कैसे कैसे क्या? अच्छा, अच्छा लंबा चलती है, अच्छा अच्छा। और फूड वगैरह का कैसा क्या रहता है अंकल? 24 घंटे में एक बार ही खिलाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनको केवल जिंदा रखने के लिए खिलाना चाहिए, ओवरडाइट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओवरडाइट करने से मरेंगे। मरेंगे, ओके ओके। और हीटर फिल्टर का सबका ध्यान रखना चाहिए, कम से कम जलाना चाहिए। ओके, नहीं तो शीशे के ऊपर ना एलईडी डेवलप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ब्लैक स्पॉट आएंगे अगर आप ज्यादा लाइट का यूज करेंगे। और गाइज बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो अंकल ने थोड़ी सी बातें बताई हैं, जब मैं मॉर्निंग आया था तो बहुत सारी बातें, तो अभी एग्रेसिव जो भी इसमें से फिश रही होंगी वो अंकल ने हमें दे दी हैं। ये वाली, ये वाला पेयर आया है, तो अभी स्टूडियो चलते हैं। मैं भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और अभी एक्वेरियम स्टूडियो चल के देखते हैं कि लगा के हम लोग खुद ही फिट करके देखेंगे। तो और बाकी अभी जो हमारी फिशेज हैं वो दो दिन बाद आने वाली हैं, तो अभी चलते हैं। सो गाइस फाइनली हमने एक्वेरियम ले लिया है पूरा, अभी उठा के देखते हैं, स्कूटी पर रख के लेके जाएंगे। सो गाइस चलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से अभी स्टूडियो पे चल के, एक्वेरियम फाइनली ले ही लिया। फाइनली स्टूडियो तो आ चुके हैं, बाहर बड़ी ठंड हो रही थी, रात के 9 बज चुके हैं अभी। अभी मैं और कुणाल स्टूडियो पहुँचे हैं, और अभी हम लोग एक्वेरियम को डेकोर कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग डेकोर करने वाले हैं। और जो एक मैं प्लांट था रास्ते में से मैंने खरीद लिया था ग्रीन डी टाइप, तो वो मैं, और इधर सब फैलावा हो रखा है। और ये वाली ग्रीन डी हम इसके अंदर लगाने वाले हैं एक्वेरियम के। और ये ऊपर इसका बॉक्स है, और ये लाइट वगैरह है, फिल्टर वगैरह, मेडिसिन वगैरह। और ये वाली जो ग्रीन थी ये हम लेके आए थे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और ये इसके अंदर जाएगा ऐसे, और ये हम लोग खुद ही डेकोर कर रहे हैं। वैसे आप एक्वेरियम वगैरह लेके आते हो तो मतलब डेकोरेशन आपको मतलब करके देते हैं वो लोग, बट हम लोग खुद ही कर रहे हैं अपनी तरीके से, और सिंपल सोबर बनाने की से कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी ज़्यादा करेंगे नहीं, और अच्छा लगेगा। सो गाइस इधर अभी हम लोगों ने एक्वेरियम को तैयार कर लिया था, इसके अंदर फिल्टर वगैरह जो कुछ लगाता है वो खुद ही से हम लोगों ने लगा लिया था। और इधर अमन भी आ चुके हैं, और कुणाल ने बड़ी मेहनत करी है, पानी भीगे पड़े हैं, सारा पानी कुणाल ने ही भरा है। तो अभी ये ना एक्वेरियम को देखते हैं, अभी इसके अंदर हमने दो ही फिश को छोड़ा है।
बहुत ही हैप्पीनेस हो रही है कि आप फाइनली स्टूडियो में एक और चीज एक्वेरियम। तो अभी ना इसका पानी थोड़ा सा जो गंदा लग रहा है वो इस वजह से लग रहा हो कि हमने स्टोन डाले हैं और वो प्लांट्स वगैरह तो उसकी धूल वगैरह, बाकी जो इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है ना उससे अच्छा दिखने लगता है ये। तो गाइस फाइनली इधर पूरा सेटअप हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। दोनों लड़के हो चुके हैं तैयार और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, लगभग 12 बजने वाले हैं और अभी तक हम लोग इसका सेटअप कर रहे थे। और इधर जो भी दो अभी तो दो ही फिशेज हैं, अभी दो के बाद जो भी फिशेज आएंगे लगभग 9 पेयर और आने वाला है, मतलब 18 फिशेज, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा फिशेज का। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज पसंद आए तो प्लीज ब्लॉग को लाइक करना, कोई कहीं नहीं रुकेगा। इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और गाइस सबसे ज्यादा मेहनत करी है मैंने यार, लाइक कर दो यार, बहुत पानी भर भर के डाला है लड़के ने, तो प्लीज प्लीज इसके एक एक डिब्बे पानी के लिए शरीर में डालो यार गाइस, एक एक डिब्बे के लिए प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा लगा। किसी ने हाथ भी ना लगाया, देखो एक ठंड आ चुकी है, कितनी ठंड है। और गाइस ये देखिए, वो देखिए अर्ज बेनीवाल की, वो अर्ज बेनीवाल की वीडियो देखिए, उसमें दादी जो है दादी बेटा बेटा ए बेटा छक्का मार दे ना पापा चला दूंगी। हम जा रहे हैं ओरी जल्दी मिलेंगे, ओरी सडा आ गए, ओरी बाय, चलो।